हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सो जो भी आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट जो हम इसी चैनल पर स्टडी करने वाले हैं। जितने भी आपकी इलस्ट्रेशन है, जितने भी आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, वो सारे जो है मैं यहाँ पे वन बाय वन सारे आपके साथ डिस्कस करूंगी। साथ में अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो भी आप जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और बाकी के सब्जेक्ट है वो भी आपको जो है इस चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल विजिट कर जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या हमारा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो बेसिकली हम यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपने पहले मैथ नहीं पढ़ा, मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे कंसेप्ट हम जो है हर छोटी चीज़ जो है आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली मैट्रिक्स है क्या, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम, कि हम जो है नंबर्स का अरेंजमेंट करते हैं किसकी फॉर्म में, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है, ये क्या है। रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कॉलम मीन्स वर्टिकल लाइंस। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हमारी ए मैट्रिक्स है, 2, 3, 4, -5, 8, 9, राइट। ये हमारी ए मैट्रिक्स है, तो इसमें रोज क्या होंगे और कॉलम क्या होंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया गया है, अरेंजमेंट किया है नंबर्स का किसकी फॉर्म में, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। अब रो क्या है, रो हमारी क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम रो बोलेंगे। जैसे 1, 2, 3, यहाँ पे तीन रो बन रही है, R1, R2 एंड R3, और दो हमारे यहाँ पे कॉलम बन रहे हैं वर्टिकल फॉर्म में, कॉलम 1, कॉलम 2। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, और एक मैट्रिक्स क्या होती है, इनका नंबर्स का जो है अरेंजमेंट करना किसकी फॉर्म में, रो एंड कॉलम की फॉर्म में। अब दूसरी चीज आती है कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हमने अगर मान लो इसका ऑर्डर लिखना है, तो हम ऑर्डर किसकी फॉर्म में लिखेंगे, m × n। अब यहाँ पे m क्या है और n क्या है, m यानी हमारी जितनी भी रोज बन रही है, रो कितनी बन रही है, 1, 2, 3, यानी 3 रो, एंड कॉलम कितने बन रहे हैं, 1, 2, 2 कॉलम बन रहे हैं। तो m × n मीन्स कि हमारी जितनी रो हैं और जितने हमारे जो है कॉलम बन रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। अब आप ये सोचोगे कि हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, नहीं। अगर आपसे सिर्फ ऑर्डर पूछा जाता है तो आपको इसी तरह से मल्टीप्लाई में करके छोड़ना है रो इंटू कॉलम का। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारा क्या निकल के आता है, टोटल एलिमेंट्स। अब ये टोटल एलिमेंट्स क्या है, टोटल एलिमेंट्स यानी इस टेबल के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर जो इतने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ से क्या निकल के आते हैं, हमारे टोटल एलिमेंट्स निकल के आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा जाता तो आप लिखोगे m × n, जितनी हमारी रो बन रही है मल्टीप्लाई में जितने हमारे कॉलम बन रहे हैं। अगर आपसे टोटल एलिमेंट्स पूछे जाते तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके बाद रो एंड कॉलम का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट हमारा aij, यानी एलिमेंट्स प्लेस्ड एट ith रो एंड jth कॉलम। अब ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एग्जांपल जो हम aij की फॉर्म में लिखते हैं, यानी ये हम यहाँ पे i की जगह पे क्या लिखते हैं कि हमारी कौन सी रो है और j मीन्स कौन सा कॉलम है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे a फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे क्या बनेगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ऐसे अगर हमने एक और रो बनानी है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो एक तरह से यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 2, 3, 5, -8, -3, 2, ठीक है। तो अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, बताओ a12 पे क्या लिखा हुआ है, तो आप देखोगे यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस
8, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब इस पे से क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो देख लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि 3x3 की मैट्रिक्स बताओ, 3x3 की मैट्रिक्स बनाओ जिसके अंदर जो है ए आई जे है वो क्या है, 2i+3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको इसको किस तरह से सोल्व करना है। अब हमारी मैट्रिक्स किस में है, 3x3 में, यानी 3 रो और 3 कॉलम। तो हम यहाँ पे हमारी पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से हमने क्या, 3x मतलब पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, यानी 3 रो बनानी है और 3 कॉलम बनाने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड और कॉलम हमारे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट, फिर यहाँ पे 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे हमारा थर्ड रो सेकेंड कॉलम और यहाँ पे हमारा थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। तो इस तरह से हमने इसकी हेल्प से ये वाली मैट्रिक्स बना ली। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू में ये सारी वैल्यू पुट करके एक एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। जो हमने ये सीखा है अब हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमें दे दिया ए आई जे जो है वो क्या है, 2i+, यहाँ पे जे भी आना था क्योंकि हम दोनों का यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे जे भी लगा देते हैं। इस तरह की आपको कोई भी क्वेश्चन दी जाती है, डिवाइड में दे देंगे, मल्टीप्लाई में दे देंगे, ठीक है, माइनस में दे देंगे, प्लस में दे देंगे, तो किसी तरह से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वो किसी भी फॉर्म में आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आई और जे लगा देंगे, साथ में कुछ नंबर्स लगा देंगे, स्क्वायर क्यूब या किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे फॉर्म करके आपको दे देंगे जिससे आपको जो है एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे हम ए आई जे यानी हमारा फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे हम ए 1, 1, यानी हमारा आई भी यहाँ पे 1 है और जे भी हमारा 1 है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे 2, 1+3, जे कितना है 1 है और फिर इसका क्या करना है स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 2+3 बन जा 3, ये ब्रैकेट में थे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3 और फिर इसका क्या करना है स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आया है जिसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम निकालेंगे ए 1, 2, तो वही 2 लिखा, आई की जगह पे क्या है 1+3, जे की जगह पे क्या है 2 और फिर इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2+3, 2 जा 6 का स्क्वायर, तो 6 और 7, 6, 7, 8, ठीक है, और इसका क्या कर देना स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64। अब हमने कौन सा एलिमेंट निकाला, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला, कितनी आई वैल्यू 64। नेक्स्ट हम निकालेंगे ए 1, 3, तो यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे +3, तो अब यहाँ पे हमारा कॉलम कितना है 3 कॉलम है, तो जे की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 पुट और फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे, तो 2 बन जाए 2+3×3 करेंगे 9 और इसका होल स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो इस तरह से हम अपने सारे एलिमेंट्स को जो है फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी आपका वीडियो के बारे में आपको अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है आप जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।